नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए, उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है।